उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? और इस सड़क की तरफ जो लोग खड़े हैं वैक्सीन नहीं ले क्या? ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है सबको, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे वे लोग कोरोना फैला रहे थे, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप में से 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, इसलिए वैक्सीन लेने वाला हर वोट कमल के निशान पर। क्या सहमत हैं? जो लोग जीवन को संकट में डाल रहे थे जब सत्ता से दूर हैं तब जीवन को संकट में डाल रहे हैं, और जब सत्ता में थे तो कोसी कला का दंगा करवाते थे, करवाते थे ना। समाजवादी पार्टी के समय में सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला का, और दंगों में हिंदू निर्दोष मारा भी गया, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए भी गए, और जब उन्होंने गुहार लगाई कि साहब न्याय करो तो झूठे मुकदमों में जेल भी बंद कर दिया। ये तो समाजवादी पार्टी की सदैव से रणनीति रही, कभी कोसी कला का दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा, और निर्दोष लोगों को मरवाना, और फिर राम भक्तों की निर्मम हत्या भी करवाना। यही तो ये करते रहे जीवन भर। मुजफ्फरनगर हो या कोसी कला के निर्दोष लोगों की हत्या से इनके सीने, इनके टोपियां रंगी भी इसलिए लाल दिखाई देती है। राम भक्तों से, राम भक्तों के रक्त से सनी भी इनकी टोपी, आज इनको शर्म भी नहीं आती जनता जनार्दन के बीच में आकर के कहते हैं फिर कि हमें भी वोट दो। भाइयों बहनों, कोरोना में भी इन लोगों का यही नकारात्मक रवैया था। कोरोना में जब पूरे दुनिया के अंदर फैला, उत्तर प्रदेश के अंदर भी फैला, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस जिम्मेदारी को मानता था। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने गांव गांव में जाकर के, मैं स्वयं जाता था, मथुरा में भी आया था, और मैंने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, पीड़ितों से भी मिला। वो पीड़ित परिवार मुझे बोला, कह रहे योगी जी आप क्यों आ गए, ये तो बहुत तेज बीमारी फैल रही है। मैंने कहा देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पार्टी ने बनाया है, और अगर वह संकट में है तो मैं मुख्यमंत्री आवास पर चुपचाप नहीं बैठ सकता, संकट में उसके साथ खड़ा रहूंगा। और भाइयों बहनों, आखिर रहते भी क्यों नहीं, आखिर रहेंगे क्यों नहीं? अगर 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास नहीं कर सकते, तो फिर बेकार है। लेकिन हम लोगों ने इसे अपना धर्म समझ करके उस समय जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी